जहाँ समस्याएं दिखती हैं उसके प्रति आंखें मूंद लेना ये स्वयंसेवक का कर्तव्य नहीं है। किससे लड़ेंगे? वो तो पहले अपने परिवार में लड़ती है, लड़ना यह काम नहीं है। अरे लड़की हूं, आदर करूंगी, सम्मान करूंगी, सम्मान दूंगी, सम्मान पाऊंगी, लड़ना थोड़ी। भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता है, जो इस प्रदेश का मतदाता है, वो ये सब छलावे में आने वाला नहीं है। ये तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। फूटी आंख भी हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को नहीं देखना चाहते थे, ऐसे लोग हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवाइस न्यूज़। मैं दीपक चौबे इस वक्त आरवाइस की टीम काशी के दौरे पे है और चुनाव का चर्चा लगातार बना हुआ है अपने काशी में। काशी में और चुनाव की बात न करें तो कुछ हो ही नहीं सकता। और इस वक्त मैं आप सबको बता दूं कि रोहनिया विधानसभा में मैं मौजूद हूं और यहां पे भारतीय जनता पार्टी की लहर देखी जा रही है। इस वक्त हमारे साथ रोहनिया विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ एडवोकेट, वकील एवं भारतीय जनता पार्टी के नेता और कहा जा सकता है कि 40 साल से आरएसएस में एज अ कार्यकर्ता इन्होंने अपनी संघर्ष जारी रखी है और इन्हीं से हम आज चुनावी चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में अगर ये आए हैं तो इनका किस प्रकार से कार्य होगा और कार्यों की सराहना कैसे ये करेंगे। सर्वप्रथम मैं इनका स्वागत करता हूं अपने आरवाइस चैनल में। सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो सर क्या लगता है, आपने भारतीय जनता पार्टी लगभग ज्वाइन कर ही लिया है, आरएसएस में आपने 40 वर्ष से संघर्ष लगाया था और अभी भी आपका संघर्ष जारी है, तो किस प्रकार से कार्य करेंगे भारतीय जनता पार्टी में आप? सबसे बड़ी बात, कार्य के जो मुख्य पायदान है वो है ईमानदारी और कार्य के प्रति निष्ठा। कार्य के प्रति निष्ठा और ईमानदारी से काम किया जाए तो कोई कार्य असंभव नहीं है। समस्याओं का समाधान अपने आप हो सकता है, बशर्ते इस जनप्रतिनिधि की निष्ठा कैसी है, उस कार्य के प्रति कर्तव्यपरायणता कैसी है, मेन बात यही काउंट करती है। आपने तमाम प्रकार के संघर्ष किए हैं किसानों के प्रति, अगर हमने बात कर ली किसानों के प्रति, आपने काफ़ी अच्छी खासी लड़ाई लड़ी है, यूनाइटेड करके एक आपका संघ भी चलता था, उसकी भी जानकारी लेंगे आपसे। जी सही सुना है आपने, हाईटेक सिटी बसाने के नाम पर यूनिटेक कंपनी एक यहाँ आई 2005 में। उसने किसानों को बरगला के औने पौने दामों पर ज़मीनें खरीद ली और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात तो ये रही कि किसान, 9 गांव के किसान 1500 एकड़ ज़मीन लिया जा रहा है और यहाँ उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, किसानों से न कोई पूछताछ होती है और AMU एक तो ड्राफ्ट हो जाता है और उसमें विकास प्राधिकरण वाराणसी और यूनिटेक कंपनी, इन दोनों के द्वारा एक समझौता होता है और 9 गांव की ज़मीनें औने पौने दाम पर खरीदी जा रही हैं। किसानों से बेचारे से किसी ने कोई बात पूछने वाला है, न कोई कहने वाला है और उसकी ज़मीनें अनावश्यक रूप से बिना पैसे के, बिना कम पैसे के, दो फसला ज़मीनें जो उनके जीवन का आधार था वो उनसे छीनी गई, वो उनसे ली गई, उसको वापस कराने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। सही सुना है आप। जी जी बिल्कुल जी, तमाम प्रकार के मुद्दा हैं। हालांकि आपने आरएसएस में काफ़ी अच्छा काम किया है, आपका नाम भी है उसमें और आप किसानों के प्रति, ज़मीन से आप लड़ते हैं दूसरों के प्रति, आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया, ऐसा क्यों? देखिए आरएसएस माने ये नहीं होता, आरएसएस राष्ट्र के प्रति समर्पित सारे कार्यों को करना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक है तो उसका काम है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो केवल स्वयंसेवकों का निर्माण करता है और वह निर्मित व्यक्ति समस्याओं के समाधान के लिए पारदर्शी ढंग से समाज के बीच में जाकर के काम करना, जहां समस्याएं दिखती हैं उसके प्रति आंखें मूंद लेना ये स्वयंसेवक का कर्तव्य नहीं है। स्वयंसेवक का कर्तव्य है कि अगर वो समस्याएं उसको दिखती हैं तो उसके समाधान के प्रति जाकर के उसका निराकरण करना। हमको लगा ऐसा कि नहीं, किसानों के प्रति अन्याय हो रहा है, किसानों ने हमारे साथ गुहार किया और हमारे पर विश्वास व्यक्त किया और फिर उसके समाधान के लिए हम लग लिए और अब धीरे धीरे वो पूर्णता की ओर है, समाधान की ओर है। किसान अपनी ज़मीन पर काबिज हैं, जोत बो रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, खुशहाल हैं। अब आप भारतीय जनता पार्टी में आ ही गए हैं तो हम कुछ चुनावी चर्चा भी कर लेते हैं आपसे। समाजवादी पार्टी की हम बात कर लें, कांग्रेस पार्टी की बात कर लें, तो कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी अच्छा एक निर्णय ले लिया है कि महिलाओं के प्रति उन्होंने 40% की घोषणा कर दी है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी आपने कल ही देखा होगा एक महिला को कह के छलावा करके उसको टिकट नहीं दिया, वो TV पर बैठ करके वो महिला रो रही है। ये एक चुनावी नाटक है, चुनावी स्टंट है, महिलाओं के प्रति वो कतई समर्पित नहीं है, ये केवल कहने की बात है, चुनावी स्टंट है एक तो। बाकी महिलाओं के प्रति तो जैसे अब ये हम तो सनातन के समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, हम तो वैसे भी महिला को देवी बोलते हैं, हम बीवी नहीं बोलते। ये बीवी बोलने वाले समर्थक लोग हैं जो आज ये नाटक करके घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, हम तो उनको पूजनीय, उनको सर्वोपरि स्थान देते हैं, हम तो उनको अर्धांगिनी करते हैं, बिना उसके हमारा कोई मांगलिक कार्य नहीं पूर्ण होता। तो देवी तो यहाँ महिला तो सबसे पहले से पूजनीय है, जिसका पोषक, जिसका संवर्धक भारतीय जनता पार्टी है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा है प्रियंका जी का, किससे लड़ेंगी? वो तो पहले अपने परिवार में लड़ती हैं, लड़ना यह काम नहीं है।
हमको लड़ने की बात होती है, हमको परिवार में आप विद्वेष फैलाएंगी, लड़की हूँ लड़ूंगी, अरे लड़की हूँ आदर करूंगी, सम्मान करूंगी, सम्मान दूंगी, सम्मान पाऊंगी, लड़ना थोड़ी, ये कोई लड़ाई की बात करना, संघर्ष की बात करना, किससे, अपने परिवार में, अपने घर में, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको न भारतीय संस्कृति का ज्ञान है, न सनातन धर्म का ज्ञान है, न ये भारत से कहीं परिचित है, ये सब आयातित लोग हैं, ऐसे ही नारे देते हैं जो संक्षिप्त उलभावने नारे देते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इस विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 400 सीटों का दावा कर रही है, क्या लगता है? समाजवादी पार्टी का दावा आप देखेंगे 10 मार्च को सब फुस हो जाने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और योगी जी मुख्यमंत्री होंगे। भारतीय जनता पार्टी में से विधायक और मंत्री छोड़ छोड़कर जा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? कौन जा रहा है? वही जो आए थे, जिनकी निष्ठा भारतीय जनता पार्टी में नहीं थी, जो इस विचारधारा को जानते नहीं थे, जाने नहीं, वो कुछ समय के लिए अपने जो अपने पदों पर बराबर बने रहना चाहते हैं, जो कोई उनको पद चाहिए, ऐसे लोग आए और ऐसे लोग गए, इनका आना इनके आने जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं आपको एक उदाहरण बता दूँ, अपने गत चुनाव में देखा है, 17 का चुनाव देखा, 19 का चुनाव देखा, एक में कांग्रेस से गठबंधन समाजवादी पार्टी ने किया था, और एक चुनाव में देखा आपने कि बुआ और बबुआ दोनों एक साथ मिलकर लड़े थे, चुनाव का हसर क्या था? आखिर उन्हीं के वोटर तो हैं, तीन ही पार्टियां बहुतायत यहाँ है ना, कांग्रेस तो सिफर पर है, तो अगर ये तीन पार्टियां हैं तो तीनों पार्टियों ने संघर्ष करके भारतीय जनता पार्टी से परिणाम देख लिया है, भुगत लिया है, इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता है, जो इस प्रदेश का मतदाता है, वो ये सब छलावे में आने वाला नहीं है। माना जा रहा है कि इस बार महागठबंधन किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के, तो उसमें चाचा और भतीजा मिल चुके हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा साजिश होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, वो एक ही परिवार है, एक ही परिवार में 28 बत्ती तब भी थी और आज भी वो लोग मिल करके सत्ता सुख लेना चाहते हैं, वो तो पहले से ही मिले हुए हैं, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। मतदाता ये जानता है कि देश और प्रदेश किनके हाथों में सुरक्षित है, किस विचारधारा में सुरक्षित है, और कौन दिन रात हमारे लिए विकास का काम करने वाला है। ये सिर्फ एक साथ गठबंधित होकर के जब विकासवाद से हारे हैं, विकासवाद का इनके पास कोई उत्तर नहीं था, तो ये जातिवाद को पुनः पनपाने का काम कर रहे हैं, यही काम इनका है। देखिए, विकास की बात आपने की, उत्तर प्रदेश में विकास देखा गया है, खासकर काशी में अगर देखा जाए तो बाबा का भव्य मंदिर बना है, इस पे भी सियासी जंग जारी है समाजवादी पार्टी का कि न हमने दिया और पिलर किसी और ने गड़वा दिया, इस पे क्या कहेंगे? कुछ नहीं, ये तो राम मंदिर पर और स्वयंसेवकों पर गोली चलवाने वाले लोग हैं, आप सोचिए, ये कहना तो हास्यास्पद है, पूरा समाज, पूरा देश, पूरा प्रदेश जानता है कि ये किस विचारधारा को पोषित करने वाले लोग हैं, ये तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, फूटी आँख भी हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को नहीं देखना चाहते थे, ऐसे लोग हैं। और खुलेआम मुलायम सिंह बोलते थे, जिनकी पार्टी समाजवादी पार्टी उसके संस्थापक, कि हम तो मुस्लिम तुष्टिकरण के आधार पर और मुस्लिम अल्पसंख्यक राजनीति को लेकर आगे बढ़ेंगे, ये उसको लेकर के आगे बढ़े थे, हिंदूवादी विचारधारा से तो ये कोसों दूर है, ये केवल इनके कहने की बात है, इन्होंने कुछ नहीं, कोई ऐसा पिलर नहीं दिया था, ये सब गलत बातें हैं, सब समाज जानता है, सारे लोग जानते हैं इसको। जी नारायण जी, देखिए, तो इसमें एक चीज़ और आ रहा है निकल कर कि जब ये चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी को जातिवाद में जोड़ दिया जाता है कि मुस्लिमों को नहीं सपोर्ट करते हैं भारतीय जनता पार्टी, ऐसा कहा जाता है, ऐसा जनता का आरोप है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक विशेष बात है, राष्ट्रवाद प्रमुख है, नेशन फर्स्ट, आप देखते हैं इस राष्ट्र के लिए भारतीय जनता पार्टी समर्पित है। अरे भाई, अगर भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान नहीं सुहाते तो अब्दुल कलाम आज़ाद क्या थे और ये राष्ट्रपति महोदय क्या थे? तो ये सब लोग उनको पूजनीय, उनका स्थान बनाते हैं, उसको मनाते हैं, वीर अब्दुल हमीद का वो मनाते हैं, ऐसे लोग जो राष्ट्र के प्रति समर्पित लोग हैं, जो उनको महिमा मंडित करने का भी काम करती है, लेकिन जो राष्ट्र विरोधी ताकते हैं, चाहे वो जिस धर्म संप्रदाय के हों, उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी करती है और करती रहेगी। मायावती चुनाव नहीं लड़ रही है, दलितों का वोट किसके तरफ जाएगा? आज चंद्रशेखर जी ने भी बात की प्रेस वार्ता में, अखिलेश से काफ़ी नाराज नजर आ रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रहे हो? दलित, आप जाकर गांव में देख लीजिए, दलित भारतीय जनता पार्टी का वोटर हो चुका है, उसके जो भी मुखिया हैं सारे लोग कहते हैं हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, बीच में कुछ जातिवाद की राजनीति बढ़ी जिसके कारण से वो अलग थलग समाज से उनको किया गया, लेकिन अब वो जान चुके हैं, गत 20-25 सालों की राजनीति में वो जो दलित है वो जान चुका है कि हमारा हित कहाँ से है, वो समाज की मुख्य धारा में जुड़ करके समाज के सर्व वर्ग के साथ मिल करके चलना चाहता है, इसलिए दलित भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा, अवश्य ही करेगा। भारतीय जनता पार्टी अगर आती है तो कितने सीटों से आती है, और अगर आ भी जाती है तो महिलाओं और युवाओं के प्रति क्या सहयोग करेगी? महिलाओं और युवाओं को सबको प्राथमिकता है,
ऐसी कोई बात नहीं है। बीच का जो कोरोना काल है पूरे विश्व में हाहाकार है, इसके कारण से अगर रोजगार में अगर किन्हीं अन्य बातों में थोड़ी गति धीमी हुई है, गति बंद नहीं हुई, गति धीमी हुई है तो कोई बात नहीं, पूरा ये वैश्विक महामारी है, इसको समझना चाहिए लोगों को। लेकिन इस वैश्विक महामारी में भी आखिर युवाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, ऐसे 2 साल से लोगों को भरण पोषण के लिए खाद्यान्न की सामग्री की आपूर्ति हो रही है, भरपूर हो रही है। इसमें ये तो जनहित की बातें हैं, जनहित की बातें कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसके अलावा कोई बात कोई उठाता है तो बिल्कुल गलत है और मिथ्या है, ये समाज जानता है। तो देखिए अभी क्या है कि माना जा रहा है ऐसा कि मंदिर का अंतिम चरण में लाना, अभी विश्वनाथ कॉरिडोर और रामलला की मंदिर, अब मथुरा की बारी है, इस पर भी राजनीति जारी है, ऐसा बात माना जा रहा है पार्टी के विपक्ष दलों के तरफ से, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपने धार्मिक मूल्यों को, अपने देवी देवताओं को, अपने आस्था केंद्रों को संरक्षित करना, उनको संवर्धित करना, उनका सौंदर्यीकरण करना, यह कोई गलत बात है क्या? हम अपना घर बनाते हैं, हमारे पिताजी ने कोई घर बनाया, हम उसका चूना कलई, उसकी पेंटिंग, उसकी मरम्मत नहीं करते क्या? ये हमारे आराध्य देव हैं, इनसे हम मार्गदर्शन पाते हैं, ये हमारे देवी देवता हैं। इनके अगर भवन और इनके मंदिर अगर टूटे फूटे हैं, कहीं कुछ ऐसा हुआ है किसी काल में, और उसका परिमार्जन करना हमारा सतत कर्तव्य है, और उसी कर्तव्य का निर्वाह भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हिंदू समाज कर रहा है और करना चाहिए। क्या लगता है इस बार कितने सीटों से आप लोग आ रहे हैं? पूर्ण बहुमत में आ रहे हैं, जितनी सीटें थी 325 से हम प्लस जाएंगे, आगे जाएंगे। जी इस वक्त आप देख रहे थे किसानों के साथी और जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले नारायण सिंह जी, जो कि रोहनिया विधानसभा में आते हैं, और ये एक भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अब कहलाएंगे, क्योंकि इन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, इन्होंने 40 वर्ष से आरएसएस को पकड़ा हुआ था और ये जमीनी स्तर से एक तरीके से पूरा काम करते हैं। और इसी के साथ आप देखते रहिए आर वॉइस न्यूज़। मैं दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट, आर वॉइस।